आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है MS परदेश। सबसे पहले का किबला बैतुल मुकद्दस, जी हाँ, कई पैगंबरों का जगह वही है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से बुराक पे सवार होके जन्नत के लिए रवाना हुए थे। और भी कई पैगंबर यहाँ हैं। शायद इसलिए मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुकद्दस रहा है। आइए आपको सीधा वहाँ की कहानी बताते हैं। चूंकि हमास और इजराइल में जो लड़ाइयाँ हो रही है ये अब अति हो चुकी है, लोग परेशान हाल हैं, लोग सिर्फ दुआ करते हैं कि इस जद्दाली ताकत से कब हमें छुटकारा मिलेगी। इसी तरीके से लोग परेशान हैं। आज दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा है कि इजराइल फिलिस्तीन के मासूम लोगों पे कहर ढा रहा है और इसराइल के तरफ से गोले और रॉकेट दागे जा रहे हैं। आखिरकार एक देश दूसरे देश अपने मासूम जनता की जान क्यों ले रहे हैं? आइए कुछ जानकारी आप सभी से साझा करते हैं। आपको बता दें कि 14 मई 1948 को इजराइल की आजादी मिली थी। आजादी के बाद संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन को दो देश बनाने का प्रस्ताव पेश हुआ था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि फिलिस्तीनी अरबों के साथ यहूदी लोगों का भी देश होना चाहिए। इसराइल के हिंसक जन्म के कारण अरब आबादी का एक बड़ा विस्थापना हुआ, जिन्हें या तो 15 मई 1948 से पहले तक इसराइल था ही नहीं, ये पूरा फिलिस्तीन ही था। 14 मई 1948 को इसराइल अस्तित्व में आया। 1967 में 6 दिन की जंग में इसराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले पूरा फिलिस्तीन और इजराइल पे ओटोमन साम्राज्य का राज था। बात भी सही है कि इजराइल और हमास का ये लड़ाई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बहुत अलग है। लेकिन इस बार हमास ने इजराइल पे हमला किया है, इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। 7 अक्टूबर को अहले सुबह सुबह हमास ने इसराइल पर 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे। यूं तो इसराइल संयुक्त राष्ट्र की बात 1948 में माना था, लेकिन उसी समय से इसराइल गाजा पट्टी पे हमला करता रहा। लेकिन इस बार मामला सीधा उल्टा था। हमास 50 साल से चुप्पी के बाद ये कदम उठाया। सूत्रों ने बताया कि इसराइल पे सबसे ज़्यादा घातक हमला किया। हमले में हमास ने इजराइल को जमीन, समुंदर और आसमान तीनों जगह से हमला किया। आपको ये बता दें कि हमास फिलिस्तीन का एक मजबूत संगठन है। हमास ने इस बार इतना जोरदार हमला किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान करना पड़ा। जवाबी कार्यवाही में इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए। अब गाजा पट्टी में रहने वालों को खाना पानी तक नहीं मिल पा रहा है और बिजली भी कट गई है। ऐसे में भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत की वकालत की है। ये नज़रिया भारत का हमास और इजराइल युद्ध को लेकर है। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें हो रही है, ये महायुद्ध का इशारा कर रही है। आप देख रहे हैं आवाज़ आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी।